हमारे जैसे बड़े लोगों का षड्यंत्र है कि आदिवासी और एससी का लोगों को बहकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। जैसे आम लोकसभा के चुनाव में ये गुमराह किया गया था, 7 देख लिया, 8 देख लिया, 5 देख लिया, वापिस करेंगे जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको सत्ता माने की जल्दबाजी है। ऐसा कौन सा काम यहाँ पर हो रहा है जिसके कारण बांग्लादेश की स्थिति खड़ी है? लेयर का मतलब डॉक्टर किरोड़ीलाल जगदोलना, जो डॉक्टर बन गए, जो RSIS बन गए, उसके बाद में जो बिल्कुल पिछड़ा आदिवासी में है उसको प्राथमिकता मिले। तो ये हमारे जैसे बड़े लोगों का षड्यंत्र है कि आदिवासी और SC ST का लोगों को बहकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। जैसे आम लोकसभा के चुनाव में ये गुमराह किया गया था कि मोदी अगर पावर में आ गया तो ST SC के आरक्षण को खत्म कर देगा। मोदी ने तो 2029 तक बढ़ा दिया, अटल जी ने बढ़ा दिया, हमारा सोच तो अंत्योदय का है, हमने बढ़ाया और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में के फैसले को तो कोई अपन आंदोलन भी नहीं कर सकते, जो इसका फायदा उठा सके वो गुमराह कर रहे हैं गरीबों को। मेरा इसमें सोच ये है कि जो फायदा उठा चुके वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उन्होंने कह दिया कि इनको दोबारा फायदा नहीं मिलना चाहिए, दूसरों को मिलना चाहिए। मेरी नज़र में उसको मैं उपयुक्त मानता हूँ। तब तक आप तो आने भी नहीं दी आपने, तो 2007 देख लिया, 8 देख लिया, 5 देख लिया, वापिस करेंगे जरूरत नहीं पड़ेगी किसी आंदोलन की। बहकाने वाले सत्ता में तो आ जाएंगे, MLA MP बन जाएंगे, लेकिन वो बहकाने वालों ने मेरे साथ इस्तीफा नहीं दिया था जब परेशानी हुई थी। आज विश्व आदिवासी दिवस है, क्या मैसेज आप देख रहे हो यहाँ पर? आदिवासी का क्या कल्चर है, क्या कला है, क्या संस्कृति है, उसका प्रदर्शन हो रहा है कला के द्वारा, संस्कृति के द्वारा। और ये समृद्ध विरासत है, ये उजड़नी चाहिए, इसलिए विश्व आदिवासी दिवस मनाया। सर, कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने कहा है कि जो हाल बांग्लादेश का हुआ है वो भारत का जल्द होने वाला है। ये तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उनको सत्ता माने की जल्दबाजी है। ऐसा कौन सा काम यहाँ पर हो रहा है जिसके कारण बांग्लादेश की स्थिति खड़ी है? यहाँ सबकी सुनवाई हो रही है, यहाँ विकास के काम हो रहे हैं बड़े तेजी से, और विश्व पटल पर भारत मोदी जी की अगुवाई में